हमारा ये ज्योग्राफी का लेक्चर 4 होगा और इस लेक्चर के अंदर हम रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ देखेंगे और इससे सारी चीजें रिलेट इनसे सारी जो भी चीजें रिलेट करती हैं वो सारी चीजें हम डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर अगर आपने पिछले साल के मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं किए जो आयोग ने पिछले सालों में पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके डाली है, मतलब आपने ये लेक्चर सुनने के बाद आपको पिछले साल के क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल मैंने पिछले साल के क्वेश्चन की ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके ये लेक्चर बनाया है, मैंने यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन यूज की है कि अगर आयोग इधर उधर से क्वेश्चन देता है तो आप जो है अपने क्वेश्चन को सही कर पाओ। बस कंडीशन ये कि आपको चीजों को बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि जो एक तो चीजें सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं होता कि यहाँ से भी आएगा या नहीं आएगा, प्लस फैक्चुअल चीजें होती हैं, तो फैक्चुअल चीजों में भूलने का या फिर जो आंकड़े होते हैं उनके इधर उधर होने का बहुत ज्यादा डर होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई प्राइवेट सीरीज आपने कोई ज्वाइन कर ली और उसके 50-60 क्वेश्चन रट डाले। देखिए, क्वेश्चन को रटने से कोई फायदा नहीं जब तक आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हैं तो आप थोड़ा एलिमिनेशन से भी कर जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी। तो सबसे पहले हम अपना रोटेशन और रेवोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, रोटेशन होता क्या है? अर्थ अपनी जो टिल्टेड एक्सिस पर उसके चारों तरफ घूम रही है, इसी को बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जैसा हम रोटेशन हमारा अर्थ होता है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ होने की वजह से आप देखते हो कि 24 आवर्स हम देखते हैं कि हमारी घड़ी में 20 मतलब एक दिन और एक नाइट पूरी कंप्लीट हो गए तो उसको बोलते हैं हम 24 आवर्स। तो क्या ये पूरा एग्जैक्टली जो टाइम है 24 आवर्स का ही होता है कि जैसे रात को 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक हमने ये जो टाइम हम काउंट करते हैं कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक 12 घंटे का टाइम, फिर दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का 12 घंटे का टाइम, तो पूरे 24 घंटे का टाइम हो गया। तो क्या एग्जैक्टली ये 24 घंटे का टाइम होता है कि अर्थ जो है एग्जैक्टली अपनी जो टिल्टेड एक्सिस है उस पर 24 घंटे में रोटेट करती है, एक चक्कर 24 घंटे में अपने जो है एक्सेस पर लगा लेती है? क्या ऐसा ही है? देखिए, ओरिजिनली ऐसा नहीं है, मतलब रियल में ऐसा नहीं है, ये तो बस हमारी सुविधा के लिए ऐसा माना जाता है। एक्चुअल में ये आपको पता होना चाहिए 23 घंटे 23 आवर्स 56 मिनट्स 40 सेकेंड्स अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने में इतना टाइम लेती है। तो ये हमारे पास जो एग्जैक्टली फिगर है, लेकिन हम जो अपनी सुविधा के हिसाब से 24 आवर्स में हम कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो हमारी रोटेशन है, रोटेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोटेशन की वजह से देखिए अर्थ, ये अर्थ है और अर्थ अपनी जो ये एक्सेस है उसके चारों तरफ ऐसा घूम रही है, तो इसको हम बोलेंगे, देखिए अर्थ घूम कैसा रही है ये भी आपको बताना चाहिए, अपनी एक्सेस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये पूरा जो टाइम है कि अर्थ एक रोटेशन करने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स, लेकिन एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं होता है, ये कितना होता है, ये होता है जैसे मैंने आपको बताया इतना टाइम होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब इसकी वजह से जो अर्थ रोटेट कर रही है अपनी टिल्टेड एक्सेस पर, इसकी वजह से हमारी जो अर्थ है उस पर डे नाइट होते हैं। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दें तो हमारी जो अर्थ है उस पर डे नाइट नहीं होंगे। जरा मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ, अगर अर्थ रोटेट ना हो ठीक है, तो हमारे जो एक ही फेस है वो हमको दिखाई देगा और उस फेस के दिखाई देने की वजह से हमारा जो देखिए यहाँ पर देखिए इसको देखने की कोशिश करें, दोनों बॉडी फिक्स हैं, ये घूम तो रही है लेकिन एक बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उसका एक ही फेस हमको दिखाई दे रहा है। अगर ये हो तो केवल हमारा जो फेस है देख रहे हो, जैसे इसके फेस जो दिखाई दे रहा है, आप ये मान कर चलो कि एक ही जो है ये पॉइंट फिक्स है इसका और ये रोटेट नहीं कर रही है, तो हमको एक ही फेस दिखाई देगा उसका बार बार। अब मैं जरा एक और एनिमेशन से आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक और एनिमेशन से आप शायद देख पाओगे। देखिए यहाँ पर क्या है, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है और अपनी जो एक्सेस है टिल्टेड एक्सेस पर उस पर घूम भी रही है। अगर अर्थ अपनी टिल्टेड एक्सेस पर घूमना बंद कर दे तो उससे होगा क्या, सन पर केवल जो जो अर्थ का एक ही फेस सन से हीट को रिसीव कर पाएगा, लाइट को रिसीव कर पाएगा, तो एक फेस पर हमेशा हमेशा के लिए रात रहेगी और एक फेस पर हमेशा के लिए रोशनी आती रहेगी, दिन रहेगा। तो हमारी जो अर्थ है जो अपनी टिल्टेड एक्सेस है उस पर रोटेट कर रही है, तो उसकी वजह से हमारी अर्थ पर होते हैं डे एंड नाइट। तो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब
ये तो रोटेशन के बारे में बात होगी, तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो अर्थ है अपनी जो जो एक्सेस है वो कितने एंगल पर झुकी हुई है। देखो ऐसा मानते हैं कि जो अर्थ है मान लो ये इस टाइप की है और ये नौ सॉरी ये लेते हैं हम, तो ये हमारी अर्थ है और ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। लेकिन अर्थ की ये ओरिजिनल पोजिशन नहीं है, अर्थ जो है अपनी एक्सेस पर टिल्टेड है, ऐसे झुकी हुई है। तो अगर मैं और ये पोजिशन लू और अर्थ की ये पोजीशन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये आप देख रहे हो, ये जो मैंने बोल दिया है यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ, तो ये पोजीशन नहीं है एग्जैक्टली ये वाली, वो ये है अर्थ अपनी जो एक्सेस पर झुकी हुई है, कितने डिग्री झुकी हुई है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री के एंगल पर जो है अर्थ अपनी ये नॉर्मल लाइन है इससे झुकी हुई है। अगर आप एक प्लेन बना दो सीधा स्ट्रेट लाइन, तो अर्थ अपने प्लेन के साथ जो उसका अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है उससे कितने एंगल, देखिए यहाँ पर शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन से कितने एंगल पर झुकी हुई है, या तो ये पूछेगा क्वेश्चन या ये पूछेगा कि अर्थ अपनी जो नॉर्मल एक्सेस है, नॉर्मल एक्सेस ये जो हम इमेजिनरी लाइन मानकर चलते हैं उस पर कितने एंगल झुकी हुई है, तो उस पर 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है। तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं अभी ये पॉइंट कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है इसके बारे में अभी अभी बताऊंगा आपको। अर्थ देखिए ये क्या है, ये सन है, तो अर्थ इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती है, अर्थ अपनी जो एक्सेस है उस पर भी रोटेट हो रही है और अर्थ सन के चारों तरफ भी घूम रही है। तो अर्थ अपनी जो टिल्टेड एक्सेस है, अर्थ अपनी टिल्टेड एक्सेस पर अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ऐसा रिवॉल्व कर रही है, तो उसकी वजह से हमारी जो अर्थ जो हमारा ये सीजन है ये होते हैं। तो हमारी जो हमारा जो देश मतलब हमारा जो अर्थ है उस पर जो सीजन किसकी वजह से होते हैं कि जो टिल्टेड एक्सेस है अर्थ की उसकी वजह से, और जो अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है उसकी वजह से हमारी धरती पर सीजन होते हैं, सीजनल आते हैं। जैसे आपने देखा होगा विंटर आ गया, ऑटम आ गया, स्प्रिंग आ गया और समर आ गया, तो इसकी वजह इसका एक रीजन यही है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब बात करते हैं हम रेवोल्यूशन के बारे में कि रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन बहुत जरूरी है, देखिए हाँ ये आपके बारे में आपको पता लगा, देखिए रेवोल्यूशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो ये क्या हुआ, ये सन हुआ और सन के चारों तरफ अर्थ इस टाइप से इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। एग्जैक्टली तो ये मैं यहाँ नहीं बना पाऊंगा, थोड़ा सा इस टाइप का ही ये ऐसे घूम रही है अर्थ, तो कभी अर्थ ऐसे ऑर्बिट में रहती है तो कभी ये सन के पास में आ जाती है, इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, और कभी ये सन से दूर चली जाती है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो अर्थ है अर्थ सन के चारों तरफ कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट करती है, वन रेवोल्यूशन, यहाँ पर वन रेवोल्यूशन की बात हो रही है। तो पहले तो रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई रेवोल्यूशन है क्या, अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, दैट इज द रेवोल्यूशन। मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन अ ऑर्बिटल और इन ऑर्बिट अराउंड द सन इज नोन एज इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। अब ये जो रेवोल्यूशन है ये कितना टाइम लेता है, अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लगता है। देखिए वैसे तो हम बोलते हैं कि जो अर्थ है अर्थ सन के चारों तरफ 365 डेज में 365 डेज में एक चक्कर लगा लेती है, लेकिन 6 साल इसका जो इसमें ये टाइम बच जाता है, जैसे आप देख ले हो जो टोटल फिगर है वो इतनी है, लेकिन हम अपनी सुविधा के हिसाब से इतना 365 काउंट करते हैं। तो ये जो टाइम एक्स्ट्रा बचा 6 घंटे जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है हर साल बचता है 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड, ये टाइम हर साल बचता है। जैसे कि मान लो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो इस साल 6 घंटे इस साल 6 घंटे इस साल 6 घंटे इस साल 6 घंटे, तो फिर जब ये चौथा साल आएगा तो ये सब इकट्ठे होकर देखो 18 घंटे तो ये हो गए इन 3 साल के और 6 घंटे हो गए इस अपने चौथे साल के इस वाले के, तो टोटल हो जाता है 24 ईयर्स। तो हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा टाइम बचा 6 6 घंटे हर साल ऐड जो हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एक पूरा दिन बन जाता है और वो दिन 29 टाइप की फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट ही करो क्योंकि हर 4 साल में आता है, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते हैं क्योंकि वो हर साल के बाद आते हैं, तो लंबे टाइम के बाद जो भी कोई चीज आती है तो उसको सेलिब्रेशन ही बोलेंगे। तो ये इसके बारे में पता होना चाहिए। और अर्थ देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे नहीं पता है लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको तैयार होकर जाना चाहिए।
तो रेवोल्यूशन, अब मैं आपको यहाँ पर कैसे अर्थ रिवॉल्व करती है और हमारी जो अर्थ है उस पर कैसे सीजन होते हैं, इसके एक इसको मैं एक एनिमेशन के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ। और हाँ, इसको बिल्कुल अच्छे से देखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं, क्योंकि मैं ये सारी चीजें आपको जो है एक 2D प्लेन पर नहीं समझा सकता हूँ। इसको या तो आप 3D प्लेन में, 3D पिक्चर में देखो, आप समझो, तभी आप समझ सकते हो। इसलिए एनिमेशन की हेल्प से मैं आपको इसको कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से समझ में आ जाए आपको। मैं इसको जरा देखिए, अर्थ अपने चारों तरफ दूर जा रही है, तो देखिए यहाँ पर समर हो गया, फिर यहाँ पर समर के बाद ऑटम आ गया, ऑटम के बाद विंटर आ गया, विंटर के बाद स्प्रिंग आ गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो आप देख रहे होंगे कभी अर्थ सन के पास में आ जाती है और कभी जो अर्थ है सन से दूर चली जाती है। तो इसमें भी क्वेश्चन आयोग ने पूछा है। तो ये आपने एनिमेशन देखा, एक और मैं एनिमेशन आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। उसके अंदर वो जो एनिमेशन है उसको बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। आप जरा इन देखिए, जहां मेरा ये कर्सर चल रहा है, ये जहां मेरा इरेजर है, अभी देखिए, अभी जरा रुके आप, देखिए इस पॉइंट पर जो आप ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये सदर्न पॉइंट है, नदर्न पॉइंट है, नीचे वाला सदर्न पॉइंट है। तो ऊपर वाला पॉइंट पर भी रोशनी है। अभी देखिए इस पर रात आएगी, यहाँ पर देखिए नाइट आ गई, ये एकदम डार्क में चला गया, अब चला गया, जा रहा है, जा रहा है। और ये कब तक डार्क में रहेगा? 6 मंथ तक डार्क में रहेगा। देखिए डार्क में है ये, यहाँ पर कोई रोशनी नहीं आ रही है, समझने की जरूरत है इसको। डार्क में है, कोई रोशनी नहीं आ रही, आप नदन पोल पर ध्यान दे। और देखिए रोशनी आने वाली, यहाँ पर अभी अभी रात हो रही है, यहाँ पर रात हो रही है, अब दिन होना शुरू हो गया। देखिए अब दिन, अब 6 मंथ दिन रहेगा, अब 6 मंथ दिन रहेगा, सॉरी ध्यान से देखें, 6 मंथ दिन है नॉर्थ पोल पर, 6 मंथ दिन, ध्यान से देखें इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमेशन है। 6 मंथ, 6 मंथ, अब देखिए 6 मंथ जैसे कंप्लीट होते हैं रात शुरू, 6 मंथ रात रहेगी, 6 मंथ रात रहेगी नदन पोल पर, 6 मंथ रात ये अंधेरे में रहेगा। और देखिए नीचे वाले पोर्शन को ध्यान दें, नीचे वाला पोर्शन क्या है, नीचे वाले पोर्शन पर जब ये ऊपर वाला पोर्शन अंधेरे में है, तो नीचे वाले पोर्शन पर क्या है, रोशनी है। तो जब ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ऊपर वाला पोर्शन का मतलब केवल नदन पोल की बात कर रहा हूं मैं, तो नदन पोल पर जब 6 मंथ रात होती है, तो सदन पोल पर 6 मंथ दिन होता है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, नदन पोल पर 6 मंथ का दिन हो रहा है, तो सदन पोल में 6 मंथ की रात रहेगी। नीचे देखें आप, नीचे जो नीचे वाला पोर्शन है, 6 मंथ, देखिए अब ऊपर ऊपर रात होने वाली है और नीचे दिन होएगा। देखिए अब ये रात में चला गया, सदन नदन वाला पोल जो है रात में चला गया, और सदन वाले पोल पर यहाँ पर 6 मंथ दिन रहेगा। तो जो दिन और रात होते हैं कि सदन पोल पर 6 मंथ रात रहेगी और 6 मंथ दिन रहेगा, वो उसका जो इसकी जो टिल्टेड एक्सेस है उसकी वजह से। अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होती है, मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, जरा यहाँ पर देखिए, देखिए अर्थ टिल्टेड नहीं है तो पूरे पोर्शन पर, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो पूरे पोर्शन पर, मैं यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखिए ये पूरा जो एक ये देख रहे हो आप, ये वाला सर्किल, ये वाला ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको देखें आप, ये जो, तो ये पूरा परमानेंटली डार्क में है, ये वाला पोर्शन, ये वाला हमेशा के लिए रोशनी मार रहा है। तो अर्थ अगर सीधी होती, जो कि सीधी नहीं है, अपनी अपनी एक्सेस पर झुकी हुई है, तो उसकी वजह से होता ये कि जो एक ही, अगर अर्थ मतलब रोटेट नहीं कर रही होती, एक ही फेस पर हमेशा इसकी रोशनी होती है, दूसरा फेस अंधेरे में रहता है, और एक पर हमेशा दिन होता है। अर्थ अपनी टिल्टेड एक्सेस पर झुकी हुई है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डे और नाइट है उनमें वेरिएशन आ रहा है। आपको इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की जरूरत है, डे और नाइट में वेरिएशन आ रहा है। मैं आपको वो एनिमेशन फिर से दिखाता हूँ, फिर से देखना, देखिए क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर ये अर्थ सीधी होती एकदम, जो कि नहीं है, अपनी टिल्ट अपनी एक्सेस पर टिल्टेड है 23.5 डिग्री के एंगल पर, तो उसकी वजह से जो डे और नाइट होती है उसमें जो वेरिएशन आता है, किसकी वजह से आ रहा है, टिल्टेड एक्सेस की वजह से आ रहा है। समझ गया, टिल्टेड एक्सेस इज द मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन द डे एंड द नाइट। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों आ रहा है ये एनिमेशन, जो इस चैप्टर का एक मेन निचोड़ है। आपको ये कितना समझ पा रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, अभी एनिमेशन को मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अब इसमें एनिमेशन में आप अगर देख रहे हो, तो एक बार अर्थ जो है मून के और सन के पास में आ जाती है, और एक बार दूर चली जाती है। तो इस पोजी इसको भी हम देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी डेट दी है, इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी मैं डिटेल से बात करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी फैक्चुअल चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। और उससे भी पहले मैं आपको जो एपिहेलियन और पेरिहेलियन की पोजिशन के बारे में बताना चाहता हूँ, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता रहा था कि अर्थ सन के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, तो ये कभी बहुत पास में आ जाती है। और ये पास में कब आती है, 3 जैन को, 3 जनवरी को। सबसे दूर कब जाती है,
ये आपको डेट पता होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछा गया 4 जुलाई। तो सिंपल सी बात है, 4 जुलाई को यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा हो जाएगी, और 3 जनवरी को अर्थ और सन के बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो जो सन और अर्थ के बीच में दूरी कम होती है, डिस्टेंस कम होता है, या आप ये बोलो कि अर्थ सन के पास में होती है, बहुत ज्यादा पास में होती है, तो इस पोजीशन को पेरिहीलियन, हीलियन शब्द जो यूज किया जाता है वो सन के लिए यूज किया जाता है। अब जब अर्थ बहुत दूर होती है तो उस पोजीशन को बोलते हैं एपिहीलियन। एपिहीलियन और पेरिहीलियन की पोजीशन कौन सी डेट को होती है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है आयोग के द्वारा। तो आपको ये डेट पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि समझने पर कोशिश करना है यहाँ पर, और रट्टा तो मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़े से जरा फैक्चुअल चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अर्थ का डायमीटर कितना। देखिए शायद 2021 में या 2000 आई थिंक 20 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डायमीटर के बारे में क्वेश्चन या रेडियस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का, देखिए ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ ऐसी है, अर्थ का पेट निकला हुआ है और ये पोल है, ये यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो अर्थ की अगर आप डायमीटर लो, देखिए अर्थ की इक्विटोरियल डायमीटर, तो अर्थ की जो इक्विटोरियल डायमीटर, अर्थ की इक्विटोरियल डायमीटर मतलब ये कि अर्थ की आप यहां से यहां तक की जो चारों तरफ की जो डिस्टेंस है उसको लेते हो तो उसको इक्विटोरियल डायमीटर बोलते हैं। ये कितनी है, 12,756 किलोमीटर। ये आपको रट्टे से अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये तो होगी हमारे पास, एक डायमीटर और निकाल दो, पोलर डायमीटर। पोलर डायमीटर क्या होती है कि आप यहां से लेकर ऐसा, ये जो होती है, ये पोलर डायमीटर होती है, ये कितनी है, 12,730। ठीक है, अब देखिए कैसे याद रहेगा, ये 3 की डिजिट, 3 शुरू की डिजिट सेम है, लास्ट की डिजिट बदल रही है। और आपको बताया 13,5 जा, ये मतलब कुछ थोड़ा सा अगर ऐसा याद रह जाए तो आपको ठीक है, तुक्केबाजी कुछ भी करके आपको पता होना चाहिए। 65 होता है, आप डिजिट को उल्टा कर दो, 65 मतलब ये दोनों, आप सोच कर चलो कि एक दूसरे की टेबल में आते नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच कर चलो, अगर डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, 35 या 65 होते हैं, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया तो आ जाएगा 56। ठीक है, तो कुछ ऐसा तुक्केबाजी से याद रह जाए, देखिए ऐसा कोई तिकड़म लगा के कुछ याद रह जाए तो ठीक है, अपना काम निकल जाएगा, बस बात खत्म। तो अब हमने इक्विटोरियल सर्कमफेरेंस के बारे में, इक्विटोरियल सर्कमफेरेंस भी है इसकी, तो सर ये कम चांसेस है लेकिन फिर भी करके चला जाना, आयोग कभी कभी बाल की खाल में से क्वेश्चन निकाल लेता है। अब अर्थ जो है किस, अब जो रोटेट कर रही है अपनी एक्सेस पर, उसकी और रोटेशनल स्पीड कितनी है, तो अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है इसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, रेडियस तो आपको पता होना चाहिए, रट्टा एकदम, अर्थ की रेडिएशन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडिएशन ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, 6,371 किलोमीटर। देखिए अब जरा यहाँ पर इसके ये पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा है, इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारी जो रोटेशन, हमारी जो अर्थ है, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी अर्थ है वो अपने टिल्टेड एक्सिस पर ऐसा घूम रही है, ठीक है, बेस्ट वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, और अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर जो लगाती है उसमें भी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में इनके रोटेशन और के बारे में बताया था, रेवोल्यूशन के बारे में। अब देखिए अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो कितनी है, इसमें या तो रट्टा मार लो, कैसे निकाली जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। जो अर्थ है, अर्थ का आप इक्विटोरियल डायमीटर ले लो, सॉरी इक्विटोरियल सर्कमफेरेंस, क्योंकि टोटल यहाँ पर क्या आता है, स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना पड़ता है, तो टाइम तो हो जाएगा 24 आवर, अर्थ अपनी एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, और ये कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो ये इतना डिस्टेंस कवर करती है, तो इसको आप अगर डिवाइड करोगे कि 40,075 को 24 से, तो ये आंसर एग्जैक्टली तो ये आंसर आता है, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट में आंसर चाहिए तो दैट इज द आंसर, 1,670 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़े बड़े, मतलब लेक्चर थोड़े बड़े हो सकते हैं, एक दो लेक्चर में थोड़ी सी मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में घास सी खुद गई थी, तो मैं मुझे फील हुआ कि चाहे लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन समझ में अच्छे से आना चाहिए, तो लेक्चर थोड़े बड़े हो सकते हैं लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये चीजें पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। कल वाली भी स्लाइड में अपडेट उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करा दूंगा। अब देखिए हमने रोटेशन एपिहेलियन पेरिहेलियन की पोजीशन देख ली, आपको मिलियन में निकालना है, आपको ये अगर ये याद रखना है तो आप यहाँ पर याद कर सकते हो, मैं सारी चीजें ऐड करा दूंगा नीचे। एक बात याद रखना कि ये जो कैपलर है, एक बार क्वेश्चन मैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का शायद पेपर, हाँ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कैपलर्स के जो लॉ है वो किससे रिलेटेड है, क्या कैपलर के लॉ जो ग्रेविटेशनल, मतलब कैपलर के जो है
एक रिलेटेड टू द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में प्लेनेट चारों तरफ घूम रहे हैं, उस रिलेटेड है, मतलब कि और रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, इससे रिलेटेड है। तो देखिए इसी से रिलेटेड है, मतलब कुछ ऐसी अनाप शनाप कुछ ना क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन वो एक जो हमारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं तो उससे रिलेटेड है। तो केपलर सर आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप ऐसा नहीं कि 11th क्लास के फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर ये सारे आप बताऊं कि फर्स्ट लॉ क्या था, सेकंड लॉ क्या था और थर्ड लॉ क्या था। तो आप इस वाले पोर्शन को इग्नोर कर सकते हो, ये जो पोर्शन है आप इसको पूरे को इग्नोर कर सकते हो। ये डायग्राम आपको अगर ठीक है, डेट याद रखना है यहाँ पर, लेकिन ये वाला डायग्राम आप, ये वाला जो डायग्राम है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, केपलर का जो मैंने बोला है, बाकी सारी चीजें आप हटा सकते हो इसको। ये बस ये जो डायग्राम था जो मैंने आपको बोला है, ये वाला डायग्राम आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, कौन सी एपीरियन की पोजीशन, पेरिहेलियन की पोजीशन होती क्या है, कौन सी डेट को आती है, इन पर आयोग ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगर बीच की डिस्टेंस नहीं पता है आपको, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। अब चलते हैं, देखो तरीका यही होता है, ऐसा नहीं, अगर मान लो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताओ शायद पेरिहेलियन की पोजीशन पूछी गई थी कि पेरिहेलियन की पोजीशन कब होती है, 3 जनवरी को आंसर था उसका। तो अब आप ना कोई टेस्ट सीरीज लगाई, टेस्ट सीरीज वाले ने यही यही वाला क्वेश्चन लगा, आपने रट डाला, ठीक है रट डाला, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रट भी रटना भी चाहिए। अगर आ गया क्वेश्चन कि एपिहेलियन की पोजीशन कब होती है, जब कैसे करोगे? तो इसलिए वो टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं होता कि आपने भाई टेस्ट सीरीज लगा डाली तो प्राइवेट आपने सॉल्व कर लिया, मतलब आप महान बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से होने चाहिए। हमने रोटेशन रेवोल्यूशन देख लिया, अब यहाँ पर बहुत जो काम की चीज आती है डे और नाइट। इस सभी पहले मैं आपको कुछ जो डेट्स हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो उन डेट्स के बारे में जानने से पहले आपको एक डायग्राम देखना पड़ेगा, और उसमें आपको ये देखिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इस डायग्राम के बारे में पता है और कुछ डेट्स के बारे में पता है तो आप जो है बहुत सारी चीजों को जो आपका आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। अब जरा एक देखिए, सन के बारे में मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, सन एक बार तो यहाँ होता है, ठीक है, और सन 2 बार यहाँ होता है, समझ गए आप, फिर एक बार यहाँ पर होएगा, सन यहाँ पर 2 बार होता है, ये जो है सन है, आप सन समझो इसको, सन 2 बार है। सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करके कभी इधर नहीं जाएगा, ये बात याद रखें, सन कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करके इधर नहीं जाएगा, समझ गए आप, सन इन दो के बीच में चक्कर लगाता रहता है, कभी इधर जाएगा और कभी इधर जाएगा। देखिए आपको यहाँ भी होगा, इस डेट इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर आपको डेट, मतलब इस पॉइंट पर जब आएगा क्या डेट होगी फलाना, बहुत सारे पॉइंट ऐसे, आपको ये फलाना ढिमकाना याद करने की जरूरत नहीं, कुछ डेट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब सन 21 ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री नॉर्थ में है, इक्वेटर सर, इस पर कौन सी डेट को होता है? तो इस पर होता है 21st। देखिए बहुत जरूरी है, अगले सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सारे इन पर पूछे हैं, 21 जून को। 21 जून को जब होगा तो सन यहाँ पर चमक रहा होगा, यहाँ पर अपनी रोशनी फेंक रहा होगा चारों तरफ, ठीक है, यहाँ पर बहुत गर्मी होगी, ठीक है, आप समझ रहे होगे, 21 जून को आग लगी रहती दिल्ली में, अभी अभी 50 के अबाउट डिग्री टेम्परेचर चला गया था, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है इस वाले पोर्शन का। तो टेम्परेचर हाई होगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर नीचे की पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, हाँ ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पर विंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ वाले पोर्शन पर, इस वाले पोर्शन में क्या होगा, यहाँ पर सन की रोशनी सबसे ज्यादा देगी और यहाँ पर होगा समर, और एट द सेम टाइम इस वाले पोर्शन पर विंटर होगी, सर्दियां दबा कर पड़ रही होगी, ठीक है, तो सर्दियां विंटर, विंटर। अब क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंसान है वो नदन पोल की, और मतलब नदन हेमिस्फीयर में रहता है, तो उसका असर ज्यादातर नदन है, किसी भी चीज का जो कुछ भी होता है नदन हेमिस्फीयर में ज्यादा उसका असर पड़ता है, तो उसी के नाम पर उस चीज को रखा जाता है। तो यहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं तो उनको बहुत गर्मी लगती है 21 जून। 21 जून को इस वाले पोर्शन में बहुत सर्दी होती है, तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत सर्दी लगेगी, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए वो यहाँ के लोग है ना अपने हिसाब से ये बोला कि भाई हमको ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन सदर्न पोल में इस टाइम बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी लग रही है लोगों को। तो लोगों ने अपने हिसाब से, जो नदन साइड में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने बोला कि भाई हम जब 21 जून को सन 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को होगा तो हम इसको बोलेंगे समर सॉलिस्टाइस, सो
सॉरी सोलिस्टाइस, ठीक है। और सेम टाइम जब 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, तो उसी टाइम पर बोलेंगे हम ये नदर हेमिस्फीयर ना समर सोलिस्टाइस, और इधर बोलेंगे विंटर सोलिस्टाइस। लेकिन हम विंटर सोलिस्टाइस, तो अब विंटर सोलिस्टाइस, लेकिन आपने बुक में देखा होगा कि समर सोलिस्टाइस जैसा 21 जून है, तो 21 जून को वो समर सोलिस्टाइस बोलते हैं हम, कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा समर सोलिस्टाइस कब होता है, आपका जवाब 21 जून होना चाहिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विंटर सोलिस्टाइस क्या कब होता है, आपका जवाब 21 जून बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने जो नदन पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना है, तो अभी मैं आपको दूसरा दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट में बताता हूं। अब देखिए यहां पर बता दिया, अब सन जैसे 21 ये 21 जून के बाद सन इधर आएगा, तो कौन सी डेट पर आ जाएगा इक्वेटर पर? ये आएगा 23 सितंबर को। आज 13 सितंबर की डेट है, और ठीक एक सेकेंड, ठीक 10 दिन बाद आज सन कहां पर होगा? इक्वेटर पर होगा। जब ये इक्वेटर पर होगा तो क्या आएगा, फिर से समझ जाए, जब भी एक सेकेंड, हाँ देखिए, हाँ ठीक है, जब भी सन 21 सितंबर से सॉरी 21 जून से 23 सितंबर की ओर बढ़ेगा, यानी इक्वेटर पर आएगा, तो उस टाइम होता है ऑटम, समझ गए, ऑटम आ गया। सन यहां रुकेगा, उसके बाद रुकेगा, रुकता कहीं नहीं है, फिर यहां पर 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर कहां पर आ जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो यहां पर कौन सी डेट को आएगा, ये पता होना चाहिए, 22 दिसंबर को। तो अब समझे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जब 22 दिसंबर आएगा तो 22 दिसंबर को क्या होगा, मैं दूसरे डायग्राम में आपको समझाता हूँ। 22 दिसंबर को सन यहां पर आ गया, तो यहां पर क्या होगा, दबाव का क्या पड़ेगी, गर्मी, यहां पर क्या होगा, समर, समर कौन सी डेट को, 22 दिसंबर को, डेट बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और इस पर क्या होगा, एट द सेम टाइम यहां पर वाले पोर्शन पर विंटर जो कि आने वाली है, तो 21 जैसे 21 जून को क्या हो रहा था, 21 जून को हो रहा था नदन पोर्शन में समर सोलिस्टाइस और इधर विंटर सोलिस्टाइस। अब जब सन 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आता है, तो इधर होता है समर सोलिस्टाइस और इधर होता है विंटर सोलिस्टाइस। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विंटर सोलिस्टाइस कब होता है, तो आपका जवाब होगा 22 दिसंबर को, ना कि ये, क्योंकि वो रेफरेंस जो पॉइंट माना गया है वो नदन पोल के हिसाब से बना है। नदन पोल में क्या हो रहा है, सदन पोल में भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं, नदन पोल में क्या हो रहा है, जैसे कि 21 जून को नदन पोल, नदन पोल का मतलब नदन पोर्शन में आग लगी रहती है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इसको बोलते हैं भाई आग लग रही है, समर सोलिस्टाइस। सदन पोल में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। अब बात करते हैं कि 22 दिसंबर को सन कहां पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो इधर आग लगे कुछ लगे, इधर क्या हो रहा है, इधर ठंड पड़ रही, लोग ठंड से मर रहे हैं, तो इधर विंटर सोलिस्टाइस। तो समझ गए, केवल नदन पॉइंट को ही, रेफरेंस पॉइंट को ये विंटर सोलिस्टाइस और समर सोलिस्टाइस का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे मैं कह रहा हूं कि जब 22 दिसंबर को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो होता है, तो उस टाइम पर समर सोलिस्टाइस होता है और इधर सदन जो नदन पोर्शन है, नदन पोर्शन में होता है विंटर सोलिस्टाइस। लेकिन हम 22 दिसंबर को ये कभी नहीं बोलेंगे समर सोलिस्टाइस, क्यों, क्योंकि उस सबसे ज्यादा सर्दी किसको लग रही है, समर सोलिस्टाइस में जब गर्मी हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को गर्मी लग रही है, तो लगने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है उस पर। नदन वालों को क्या हो रहा है, नदन वाले हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा असर पड़ता है, तो सबसे ज्यादा असर किसका होगा, 22 दिसंबर को सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगा, तो नदन हेमिस्फीयर में विंटर पड़ रही होंगी, तो विंटर की वजह से लोग सर्दी से मर रहे होंगे, बेहाल होगा उनका, इसीलिए इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टाइस। तो एट द सेम टाइम विंटर सोलिस्टाइस भी होता है, समर सोलिस्टाइस, लेकिन नदन पॉइंट को एक रेफरेंस पॉइंट माना गया है, उसी के हिसाब से नदन पॉइंट में क्या हो रहा है, नदन पॉइंट में गर्मी हो रही है तो बोलेंगे उसको समर सोलिस्टाइस, अगर नदन पॉइंट में विंटर हो रही है तो बोलेंगे उसको विंटर सोलिस्टाइस। तो आपको नदन पॉइंट को ध्यान में रखकर डेट का आंसर देना है। अब जैसे 22 दिसंबर को सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पता, अब उसके बाद में सन इधर आएगा यहाँ पर, तो अब कब आएगा, 21 मार्च, 21 मार्च को आएगा, ठीक है, 21
21 मार्च, ये डेट यही है, दूसरी डेट नहीं है क्योंकि अलग अलग बुक में, तो सन इधर आ गया। तो फिर क्या होगा, यहां पर धूप पड़ रही होगी, ठीक है, और इधर की साइड में मौसम नॉर्मल होगा, तो क्या बोलेंगे, ऑटम आ गया भैया, ऑटम आ गया, ऑटम और तम, समझ गए। तो इस टाइप से हमारी अर्थ पर जो है सीजन बदलते रहते हैं, कैसे आपको बदलते हैं ये बताता हूं। अब मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूं, पहले तो आप ये समझे, ये वाला जरा यहां पर देखो, जो मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया, ये थोड़ा सा एनिमेशन धीरे चलेगा, स्लो चलेगा। अब जहां टॉपिक ऑफ कैंसर पर इस टाइम सन की रेज यहाँ पर टॉपिक है कैंसर पर, तो यहाँ पर टॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो रहा है कि जून को समर सॉलिस्टाइस, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अब देखिए अर्थ कैसे आगे मूव करी, अब ये कौन सा पोर्शन आ गया, ये इक्वेटर पर इस टाइम सन चमक रहा है, और इक्वेटर पर सन कब चमकेगा, 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर आ गया है, देखिए 23 सितंबर को, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ऑटम, और क्योंकि ये अर्थ से बराबर डिस्टेंस पर होते हैं, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। अब देखिए अर्थ आगे मूव कर गई, तो सन कहां पर चमकेगा, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमकेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर विंटर, इधर की साइड में तो क्या होगा, गर्मी हो रही होगी, लेकिन इधर साइड में, तो ये जो एनिमेशन मैंने आपको दिखाया ये बहुत काम का है। अभी जरा इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, और ये एनिमेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो मैंने आपको पीछे बताया। देखिए कैसे यहाँ पर गर्मी हो रही है 21 जून को, तो इसलिए बोलेंगे समर सोल्स्टिस, और देखिए 23 सितंबर को कैसे यहाँ पर सन इक्वेटर पर होगा, तो उसको बोलेंगे हम सन इक्वेटर पर है, और यहाँ पर हो रहा है हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑटम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं ये रिपीट करता हूँ एनिमेशन, एनिमेशन बहुत ही इसकी पोजीशन जो है आपको अलग अलग चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपको शायद ये क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पोजीशन देखें कि सन कहाँ पर है और क्या हो रहा है, समर सोल्स्टिस हो गया यहाँ पर 21 जून को। अब अर्थ देखिए कहाँ पर आ गई, अर्थ आ गई घूमकर, अब सन इक्वेटर पर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटम होगा, और इसको इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, जब इक्वल डिस्टेंस पर होता है, यहाँ पर नदन और सदर्न हेमिस्फीयर में बराबर जो है रे रिसीव होती है। अब देखिए अब कहाँ आएगी अर्थ, अर्थ आगे आ गई, और सन कहाँ पर चमक रहा होगा, ये सन चमक रहा होगा, देखिए ट्रॉपिक ऑफ यहाँ पर क्या होगा, नदर हेमिस्फीयर में विंटर होगी, नीचे इसे विंटर सोल्स्टिस पड़ेंगे, नीचे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, सदर्न हेमिस्फीयर में, नदर हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो पोजिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन है, जरा समझने की कोशिश करें। तो इधर देखिए यहाँ पर क्या है, अब अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो नदर इस पोल को देखें, यहाँ पर इस पोल में, तो इस पोल में क्या हो रहा है, यहाँ पर इस वाले पोल में देखिए, ये इस वाले पोर्शन में दिन रहेगा, ये जहां पर मेरा पेन चल रहा है दिन रहेगा, और नदन हेमिस जो ऊपर वाला पोर्शन है पोल है यहाँ पर, तो यहां से लेकर देखिए 6 रात, यहाँ पर 6 मंथ तक, 6 मंथ तक सन यहाँ चमकेगा, 6 मंथ तक क्या रहेगा, यहां से लेकर यहां तक जब ये ऐसे घूमेगी अर्थ, 6 मंथ तक नदन पोल में इस पोल पर कभी सन सेट ही नहीं होगा, हमेशा दिन रहेगा। फिर उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ेगी यहां से यहां तक, तो यहाँ पर अंधेरा रहेगा, यहाँ भी अंधेरा, यहाँ अंधेरा, नदन पोल की बात कर रहा हूँ, और यहां तक अंधेरा ही रहेगा, तो यहाँ पर 6 मंथ तक रात रहेगी, और जब भी सन इक्वेटर पर चमक रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, इक्विनॉक्स आ जाएगा, और ये इक्विनॉक्स का मतलब होता है बराबर डिस्टेंस पर होना, यहाँ पर इक्वेटर के इधर उधर रोशनी बराबर जाती है, हीट बराबर इसी प्राप्त होती है, इसलिए उसको हम इक्विनॉक्स की पोजिशन बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोला जाता है यहाँ पर, ऑटम इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोला जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको जो एनिमेशन को ऐड करा दूं, आपको इन डेट के बारे में रट जाना चाहिए, जैसे यहाँ पर कहीं 21 देते, जैसे कि यहाँ पर देखिए 21 जून मैंने बोला है, लेकिन इसने 20 जून लिखा हुआ है, तो जो डेट मैंने आपको बताई उन्हीं के बाद याद रखना, क्योंकि वही डेट ज्यादा एक्सेप्टेड है। देखो आपको अलग अलग बुक में पढ़ोगे तो आपको अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेगी, तो इसलिए ये जो डेट जो मैंने आपको बताई एक्सेप्टेड डेट है, तो आप इस एनिमेशन के थ्रू भी आप देख सकते हो। तो अब मैं आपको सारा थ्योरी वाला पार्ट जो है ये बता देता हूँ, तो मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पर, देखिए कब मैंने डेट दे दी है, इन्हीं डेट को आपको रट्टा मारना है और किसी डेट को आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कैसे 6 मंथ का दिन होता है, कैसे 6 मंथ की नाइट होती है, ये मैंने एनिमेशन के थ्रू आपको कोशिश की है। अब हमारे अर्थ पर जो दिन और रात होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो अर्थ है वो
रोटेट कर रही है, तो रोटेशन की वजह से हमारी जो अर्थ पर राइट डे और नाइट होते हैं वो सीजन के होते हैं। सीजन इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड मतलब अपनी एक्सेस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और उसकी एक तो रीजन ये मेन रीजन तो वैसे यही है, और वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। तो दो रीजन को मिलाकर हमारी जो जो अर्थ है उसको जो सीजन आते हैं उनका रीजन वही है। ठीक है, नाइट छोटी होगी बड़ी होगी तो ये भी मैंने आपको बताया कैसे नाइट बड़ी होती है कैसे नाइट छोटी होती है। आप एनिमेशन के थ्रू आपने इन सारी चीजों को मैंने आपको और एपिहेलियन पेरिहेलियन की पोजीशन के बारे में मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया यहाँ पर। और ये यहाँ पर मैंने और मतलब मैंने कोशिश की है कि आपको ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा उटपटांग सा लगता है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बहुत अच्छे से एनिमेशन के थ्रू बताई है। तो आपको ऐसा नहीं कि ये याद नहीं है, मैंने यहाँ पर इस चैप्टर का पूरा जो लेक्चर का पूरा निचोड़ यहाँ पर डाल दिया है कि कब सीजन या सीजन हो रहे हैं हमारी अर्थ पर, या वेरिएशन ऑफ द लेंथ जो रात दिन बड़े छोटे होते हैं, तो ये किसकी वजह से होते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, तो अर्थ अपनी जो एक्सिस पर 23.5 डिग्री के एंगल पर जो कि उसकी वजह से हमारी अर्थ पर सीजन होते हैं, और जो डे और नाइट होते हैं उनमें वेरिएशन आता है, छोटे रात रात बड़ी होगी रात छोटी होगी। ठीक है, अब डे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, दिन और रात, दिन और रात नीचे वाला क्वेश्चन, दिन और ऊपर वाला क्वेश्चन ये है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से रात और दिन होते हैं, लेकिन अर्थ अपनी जो टिल्टेड एक्सेस पर झुकी हुई है तो उसकी वजह से जो दिन और रात बड़े छोटे हैं, समझ गए। तो ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, मैंने आई थिंक कोशिश की रही कि आपको ये सारी चीजें, देखो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन पिछले मैंने मुझको लग रहा था कि जल्दी जल्दी इसको करना चाहिए, लेकिन थोड़ी घास सी हो जाती है खोदी जाती है, तो मैंने वो कोशिश की कि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। आपने ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लिए, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर यूपीएससी का आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो जहां पर ये ज्योग्राफी का सिलेबस है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कुछ बाहर से बच जाएगा, या आपकी जो कॉन्सेप्ट है, चाहे इवन आप यूपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं जिनको अपना बेसिक फंडामेंटल का क्लियर करना होता है, वो इन कॉन्सेप्ट के थ्रू इन लेक्चर के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। तो मैं अपना जो लेक्चर है वो यही समाप्त करता हूँ और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।